आज सुबह से बारिश हो रही है और अभी टाइम हो चुका है, तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:44, 2 बजने में अभी बाकी है थोड़ा टाइम, और सुबह से बारिश हो रही है। मौसम तो देख ही रहा है आप लोगों ने। कुछ काम वैसे तो कुछ काम नहीं रहता है, लंच कर लिया मैंने और चावल की बोरी रखी है, उसको डालना है डब्बे में वरना वो ख़राब हो जाएगा। और कल वाले व्लॉग में मैंने बोला था टेबल साफ़ करना, टेबल मैंने साफ़ नहीं किया, तो आज देखते हैं अगर साफ़ कर पाऊँ तो ठीक है, आज कोशिश करूँगा, कोशिश नहीं मतलब कर लेता हूँ आज ये टेबल साफ़ करने वाला काम, ठीक है। और इधर से पूरा पानी आ रहा है, ये छीटे यहाँ पे गिरते हैं, छीटे इधर से इधर आ जाते हैं और ये पूरा भीग जाता है। मौसम काफ़ी सुहाना हो रखा है, आज सुबह से क्या बारिश हो रही है। सुबह से ऐसे ही लेटा हूँ ब्लैंकेट के अंदर, 11 बजे सो के उठा, नाश्ता किया, टीवी देख रहा था, तो बस तब से ब्लैंकेट के अंदर ही है। तो आज क्या व्लॉग करूँ वो समझ ही नहीं आ रहा ना, बाहर जाने का है। पता नहीं दिखा होगा कि नहीं, तो बस यही सीन है अभी फिलहाल। और शाम को पता नहीं जिम भी जा पाऊँगा कि नहीं, शाम को जिम जाना है, अब बारिश रुकेगी तो जाऊँगा वरना आज जिम कैंसिल, ठीक है। तो बारिश का यही फ़ायदा, मतलब बारिश में कुछ मत करो, बस सोए रहो। और किसी को पसंद है बारिश बताना ज़रूर। रोड के बगल में वैसे अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 3:09 हो रहा है अभी। और वैसे काम तो है, ऐसा नहीं कि काम नहीं है, काम है, कॉलेज का काम है मेरे पास। और मैंने जैसे बोला था ये टेबल साफ़ करने को, मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा है, आलस प्रोक्रेस्टिनेशन। तो करेंगे, आराम से करेंगे इसको। तो कॉलेज का भी काम है, प्रेजेंटेशन बनाना है और थीसिस लिखना है कॉलेज का, ये 2 इम्पॉर्टेंट काम है। तो आज रात को थीसिस लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपके साथ, और वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थीसिस लिखना, उसमें टाइम लगेगा मेरे को। और बस आज पक्का थीसिस लिखना आज से चालू। पर अभी तक बारिश हुई है सुबह से लेके अभी तक, मैं बाहर जा पा रहा हूँ ना कुछ कर पा रहा हूँ, ठीक है, आज का दिन आराम करते हैं। पर अभी बज रहे हैं 7 और 2 छोटे काम हैं, अभी छोटे छोटे 2 काम हैं। पहला इसको अभी साफ़ करेंगे, ताम साफ़ करेंगे, थोड़ा सा मैसी हो गया है तो इसको अभी क्लीन करेंगे। और चावल की बोरी रखी है उधर, उसको ड्रम में दाल डालना है, तो ये 2 काम अभी कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो पहले टेबल साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बोरी को डब्बे में डालेंगे, चावल की बोरी को डब्बे में डालेंगे, सही है। तो शुरू करते हैं। Lights a spark, it's like you know me in the... ये जो फिश बॉल है ये दीदी लेके आई थी पिछली बार, तो इसमें 4 फिश हम लोग लेके आते हैं। वो लोग पहले जब 2 फिश लेके आए थे तब तो सब सही था, और जब दूसरी बार 2 फिश और हम लोग ने डाला उसके बाद फिर एक करके सारी मछलियाँ मर गई, और तब से ये बोल ऐसा ही है, ये पानी यहाँ तक का, और इवापोरेशन के कारण सूख चुका है पानी, पानी का लेवल कितना नीचे आ चुका है यहाँ से यहाँ। तो इसको फिर से इसमें मछली डालेंगे, लेके आएंगे जिस दिन मार्केट जाएंगे, तो 2 फिश और लेके आएंगे, एक गोल्ड फिश और एक सिल्वर वाला, पहले जो था इसमें आपने देखा होगा मेरे पहले वीडियोस में जो स्टोरी मैंने डाली है उसमें फिश थी, तो वो 2 फिश और लेके आएंगे और डालेंगे इसमें, सही है। तब तक इसको साफ करके रख देते हैं। We come alive in the night time, you and I.
इस बोरी को डब्बे में डालना है। इसी दिन के लिए तो मैंने जिम स्टार्ट किया है। तो ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं और बस अब एक ही काम है, रोटी बनाना है बस। और पापा ने चिकन बना दिया है, तो आपसे मिलता हूँ डिनर में, ठीक है, बाय। अभी बज गए हैं 10:30 और डिनर हो गया है। डिनर मैंने कर लिया है। ये तो रोज़ का, और मतलब रोज़ एक ही तरह का हो जा रहा है ये व्लॉग। मतलब घर पे रहो तो और क्या ही कर सकते हैं, मतलब मोनोटोनस तो हो ही जाएगा। अगर रोज़ घर पे रह के शूट करो तो मोनोटोनस होना ऑब्वियस है, तो क्या कर सकते हैं। फिलहाल जो सोचा है करने का वो करेंगे, और भले ही मोनोटोनस हो जाए ब्लॉग, भले ही बोरिंग हो जाए, और एक ही तरह की लाइक रूटीन की तरह अगर हो जाए ब्लॉग तो कुछ नहीं कर सकते। उसी को रूटीन को किसी अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे हर व्लॉग में, उसी से क्रिएटिविटी बाहर आएगी। आई नो, तो मैं हर व्लॉग में कुछ नया करने का कोशिश करूँगा। तो ठीक है, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अभी व्लॉग को एडिट करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर यहाँ तक देख लिया है तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, एंड मेक श्योर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में।